दसवें पातशाह दी चरण छो स्थान फत्तू सम्मू दियां टालियां इस स्थान ते आपां पहुंचे हैं। फत्तू ते सम्मू कौन सी ते इहदे बारे तुहानूं दसदे हां जी। जिहड़ा बराड सीगे उस पिंड दे हरीके कलां दे तां उन्होंने कहा भी असी आराम फरमाउणा भी तुसीं राखी रखो रात दी। चर्रे कहिंदे बराड किधर गए जी, वह कहिंदे भी वह तो रात चल गए सीगे ते हुण सारी कहिंदे साडी ड्यूटी लाती सी भी उन्हां दे। महान कोश दे विच भी इसका जिक्र हैगा जी। तो फिर इसका जो मतलब खोज होंगी है जी, तो गदरी बाबा का जोड़ा परिवार से वो अज उन्होंने मतलब वो नहीं करना आता भी असी इसे वंशज हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। सो संगत जी, इस समय खड़े आप पिंड शमसुद्दीन चिश्ती हाँ, तो जिला जलालाबाद के पैंदा जी। ये बिल्कुल बॉर्डर के नेड़े, पाकिस्तान के बॉर्डर के नेड़े, ये दसवें पातशाह की चरण छो स्थान फत्तू सम्मू दियां टालियां इस स्थान पर आप पहुँचे हैं। आओ तुहानूं इत्थों के दर्शन कराने और इत्थों का इतिहास तो आप जानकारी पाने जी। तो आओ आप चलते हैं जी। हाँ जी, ये तुसीं देख रहे हो ये भाई फत्तू ते सम्मू दियां टालियां, तो ये गुरद्वारा साहब है जी, दमदमी टकसाल भिंडरां वालों की जिहड़ी शांख बनी हुई जी। तो ये स्थान है और तुहानू ये सामने जिहड़ी टालियां दिख रही हैं फत्तू ते सम्मू दियां टालियां, फत्तू ते सम्मू कौन सी ते इहदे बारे तुहानू दसदे हां जी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मुक्तसर दे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों मुक्तसर दे इलाके विच होंदे हन, उह जंग दा समां सीगा जी। पिंड मुक्तसर तो नेड़े पिंड पैंदा जी हरीके कलां। हरीके कलां दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आए सीगे जी, और उस स्थान दे उपर की हुंदा जी, उत्थे समां ऐसा सीगा कि सिंघां दा जिहड़ा मतलब गुरु साहब नाल घट सीगे, और उत्थे जिहड़ा पहरेदारी दा मतलब समां सीगा जी जंग दे दौरान, अगे पिछे फौजां लगियां होईयां सीगियां ते काफ़ी दिनों तो गुरु साहब ने आराम फरमाउण दे लई कहा भी जिहड़ा बराड सीगे उस पिंड दे हरीके कलां दे, तां उन्होंने कहा भी असी आराम फरमाउणा भी तुसीं राखी रखो रात दी। ते बराड़ा ने की कीता भी राखी दी किरा हामी भर दित्ती कि असी तुहाडी राखी करांगे गुरु साहब, तुसीं आराम फरमा सकदे हो। ते उन्होंने कह के फत्तू ते सम्मू उन्हां दे नौकर सन जी, तो उन्हां दी जिहड़ी पहरेदारी ड्यूटी लाती जो गुरु साहब सवेरे उठदे हन कि देखदे भाई तुसीं कौण हो, वह कहिंदे असीं दोवें भाई हाँ जी फत्तू ते सम्मू। तो वह गुरु साहब की जिहड़ी रात तो राखी कर रहे, कहिंदे बराड़ किधर गए जी, वह कहिंदे भी वह तो रात चल गए सीगे ते हुण सारी कहिंदे साडी ड्यूटी लाती सी भी उन्होंने, असी नौकरां भी असी फत्तू ते सम्मू असी दो भरा हाँ, तो उन्होंने साडी ड्यूटी लगी हुई है जी। इस तरीके दे नाल असी इत्थे तुहाडी रात की राखी कर रहे हैं जी। तो फिर गुरु साहब ने कहा भी तुहानू कोई बख्शिश तुसी दसो की मंगना चाहते हो, वह कहिंदे फत्तू ते सम्मू भरा ने कहा कि सानू जिवें ये सरदार ये जा छड के सौंगे भी असी भी इदा की मतलब जिंदगी जीना चाहते भी सानू ये नौकरी तो ज़्यादा चिर करदे नू हो गया भी असी नौकरी वगैरह नहीं कर सकते, सानू भी जमीन की बख्शिश होवे। फिर गुरु साहब ने इन्हों जिहड़ा इस इलाके जिहड़ियां इस जगह है इस गुरु साहब ने बख्शिश की सी। इस जगह के उपर जिहड़ा काफ़ी समय तो जिहड़े दी खोज हुई है जी, तो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी भी लिखते हैं वो मतलब जिहड़ा मुक्तसर साहब तो भी किन्ना जिहड़ा दायरा लिखा सी उन्हें फिरोजपुर का जिहड़ा रोड है विच उस दे उपर जिक्र करिया जी। तारा सिंह जी नरोत्तम ने भी जिक्र किया। फिर उस तो बाद सुखदयाल सिंह जी साथी है उन्हें जिहड़ा जिक्र है जिहड़ी उसने विच जिहड़ा अगे चल के जिहड़ा इसकी खोज की सी। पिछों जिहड़ा इतिहास जिहड़ा सी ज्ञानी ज्ञान सिंह तारा सिंह जी नरोत्तम ते पुरातन ग्रंथां दे विच इस फत्तू सम्मू दियां टालियां दा जिक्र आउंदा सीगा जी। हाँ जी, हाँ महान कोश दे विच भी इसका जिक्र हैगा जी। तो फिर इसका जो मतलब खोज होंदी है जी, तो इहदियां कबरां जिहड़ियां थोड़ी सैड ते पर इस दी जगह नड़िनवे दे करीब जाके गोविंद चलो मार्ग उस जिहड़ी किताब आ उहदे विच भी जिक्र आउंदा जी। फिर जिहड़ा पुरातन जिहड़े स्रोत आ उहनां दे विच भी जिक्र सीगा जी। यही गुरु साहब ने इस जगह के उपर जिहड़ियां टालियां सीगियां, इह जिहड़ा पुरातन समां की सीगा इत्थे जिहड़ियां कोई पीर की जगह बन गई सीगी जी। उस तो बाद जिहड़े इस जगह के उपर सीगा जी जदों पाकिस्तान की वंड हुंदी आ उदों शायद वह उधर चले गए हुण जां आसे पासे दे इलाके दे विच चले गए हुण। ये चीज़ां हुंदियां हन भी जो तुसीं गुरु दे नाल जुड़े रहो तो संगत दे विच उह चीज़ जुड़े रहिंदे हन। अज भी जिवें सिख पंथ जिहड़े जरनैल होए आ जां उहनां दे परिवार है
वो जो गुरु नाल जुड़े तो वह अगे तक तुरी आँदी है, वंश वगैरह उस तरीके दे नाल तुरी आँदी है। इस तरीके दे नाल जिवें एक गदरी लहर चली सी जी, बाहर सी उह सिंह, तो गदरी लहरां दे जिहड़ा मतलब वह दूर हो गए, वह अज भी तुसीं, मैं एक गल इस नाल जोड़न लई दसना चाहुंदा है वी वह मिक्सअप हो गए जाके उसों के कल्चर जाके, अंग्रेज़ दे तरीके दे नाल विआह करा ले जां होर करके उन्होंने कल्चर उन्होंने मिक्सअप हो गया। जिहड़े बाहर सिंह रहिंदे आ तुसीं उन्हां नूं उस चीज़ बारे पता है कि जिहड़ा गदरी बाबिआं दा जिहड़ा परिवार सी वह अज उन्हां दी मतलब वह नहीं करना आता भी असी इन्हां दे वंशज हैं। ये चीज़ यही तरीके दे नाल इस इलाके दे विच जां तां वह लोग सीगे जिहड़े परिवार सीगे फत्तू सम्मू दे बाबा जी सी जिहड़े सीगे, बाबा ही कहांगे अपनी उम्र तों वड्डे सीगे, ते उह जिहड़े अज तक उन्हां दा कोई मतलब पता टिकाणा नहीं लग रहा। तां कारण की है, जां तां उह गुरु साहिब तों नाल लै के जुड़े नहीं रहे उहदे जिहड़ा परिवार सी, जां उह पाकिस्तान दी वंड करके पाकिस्तान दे विच चले गए। जिहड़ा बार्डर है इत्थों सिर्फ 8 तों 10 किलोमीटर है जी, ते इत्थे जिहड़े मन्नता हुंदी सीगी पहलां इह टालियां दे उप्पर जिहड़ा इत्थे मतलब जिवें पिंडां दे विच वी गुरद्वारा साहिब तों बण तों पहलां इदां ही हुंदे सी वी थड़े बणे हुंदे सीगे, थड़ां दे उप्पर जिहड़ी लोग जो कोई दिन त्यौहार आउंदा सी उसदे कोई खीर प्रसाद वगैरह चढ़ाउंदे सी उही इह टालियां दे उप्पर चढ़दा सीगा जी। इह अज जाणियां जिहने फत्तू ते सम्मू दीआं टालियां जी। ਹੋਈ ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਬਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ 2000 'ਚ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੈਰੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵੇਹਦੇ ਕਹਿਣਾ, ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵੇਹਦੇ ਕਹਿਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲੱਧੂ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ 4 ਕਮਰੇ ਪਾਏ ਨੇ, 4 ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਰਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੱਤੂ ਸੰਮੂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਸਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਤੂ ਸੰਮੂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪਰ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ, 250-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਡ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਔਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਮੂ ਫੱਤੂ ਸੰਮੂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ
जलालाबाद तो जिहड़ा फिरोजपुर का रोड है 5 किलोमीटर दूर पैंदा जी। सो संघ जी ये तुहानू दर्शन कराए जी, वीडियो वधिया लगी शेयर कर देना, तो कोई अक्खर वाधा घाटा कोई कहा गया होवे शब्दों के विच तां माफ़ी चाहुंदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।